in association with Himalaya Quista Pro. Himalaya Quista Pro has superior protein whey and ashwagandha, the healthy way to fitness. इतिहास में बहुत से शासक हुए जिनके नाम के आगे द ग्रेट जोड़ा गया, लेकिन 18वीं सदी तक जितने भी ग्रेट हुए उनमें एक बात कॉमन थी कि वो सबके सब थे मर्द। इतिहास में पहली ग्रेट कहलाई जाने वाली महिला रानी रूस में पैदा हुई थी और उनका नाम था महारानी कैथरीन द ग्रेट। उनकी पैदाइश एक छोटे से राज परिवार में हुई थी, लेकिन शादी हुई रूस के होने वाले ज़ार के साथ। शादी के कुछ ही समय बाद कैथरीन ने अपने प्रेमी की मदद से ज़ार को सत्ता से उतार कर फेंक दिया और खुद महारानी बन गई। 1762 से 1796 तक उन्होंने रूस पर एक छत्र राज किया। उन्होंने रूस की सीमा का विस्तार करते हुए उसे बाकी यूरोपियन साम्राज्यों के बराबर लाकर खड़ा किया। इतना ही नहीं, कैथरीन ने रूस में लड़कियों के स्कूल बनाए, रूस को आधुनिकता से रूबरू कराया, कानून का राज स्थापित किया, यहाँ तक कि जिस क्रीमिया के लिए आज दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की दहलीज पर खड़ी बताई जाती है, इसे रूस का हिस्सा बनाने वाली भी वही थी। हालांकि रूस के महान इतिहास की चर्चा में आप उनका नाम कम सुनते हैं, इतिहास की इस सबसे महान महारानी के नाम पर जो बात सबसे फेमस है वो ये कि उनकी मौत घोड़े के साथ सेक्स करने के दौरान हुई थी। ये कोरी गप है। महारानी कैथरीन ने समाज के तमाम नियमों को धता बताते हुए उम्र भर शादी नहीं की, लेकिन तमाम प्रेमी बनाए। इसके चलते उन्हें बदचलन और न जाने क्या क्या कहा गया, जबकि इतिहास के चंद ही पुरुष शासक ऐसे रहे जिनकी एक से ज्यादा रानियां न रही हों। बहरहाल, हिपोक्रेसी की यह सीमा सिर्फ रूस तक ही सीमित नहीं थी। दुनिया भर में जितनी भी ताकतवर महिला शासक हुई उनके नाम बदचलन और चुड़ैल जैसे विशेषण लगते रहे। आज बात ऐसी ही एक महारानी की जो भारत में पैदा हुई और आधुनिक इतिहासकारों ने जिन्हें कैथरीन ऑफ कश्मीर का नाम दिया। इन महारानी का नाम था दिद्दा। कैथरीन दिद्दा की कहानी जानेंगे आज के एपिसोड में। नमस्कार, मेरा नाम है निखिल और आप देख रहे हैं तारीख, भारत के ऐतिहासिक किस्सों कहानियों से जुड़ा हमारा रोजाना का कार्यक्रम। दिद्दा की कहानी जिस किताब में दर्ज है उसका नाम है राज तरंगिणी। ये वो अकेली किताब है जिसमें 1000 साल पहले के कश्मीर का इतिहास दर्ज है। राज तरंगिणी का अंग्रेजी में अर्थ होता है रिवर ऑफ द किंग्स। बिल्कुल गेम ऑफ थ्रोन्स जैसा नाम है और कहानी भी उतनी रोचक है। राज तरंगिणी को लिखा था कल्हन नाम के इतिहासकार ने, कश्मीरी इतिहासकार। इसे 12वीं सदी में तब लिखा गया जब कल्हन के पिता लोहार राजवंश के आखिरी राजा हर्षदेव के दरबार में मंत्री होते थे। लोहार पीर पंजाल रेंज में पड़ता है, जो कश्मीर और पश्चिमी पंजाब के बीच एक महत्वपूर्ण ट्रेड रूट हुआ करता था। कल्हण या कल्हन के अनुसार दिद्दा की पैदाइश 924 ईस्वी के आसपास हुई थी। दिद्दा के पिता राजा सिंहराज थे, वहीं उनके नाना भीमदेव काबुल में हिंदू शाही कबीले के शासक थे। दिद्दा पैदाइश से ही अपंग थीं और ठीक से चल फिर नहीं पाती थीं, जिसके कारण उनके माता पिता ने उन्हें त्याग दिया था। दिद्दा महारानी कैसे बनी फिर? हुआ यूं कि 26 की उम्र में दिद्दा की शादी क्षेमगुप्त नाम के एक शख्स से हुई। क्षेमगुप्त कश्मीर के महाराज पर्वगुप्त के बेटे थे। 950 ईस्वी में क्षेमगुप्त कश्मीर के राजा बने, लेकिन कलन के अनुसार वो एक कमजोर राजा थे जिनका मन अधिकतर जुए और शिकार में लगा रहता था। इसी के चलते दिद्दा को राजकाज का काम संभालना पड़ा और धीरे धीरे वो इतनी ताकतवर हो गई कि महाराजा के नाम के आगे महारानी का नाम लिया जाने लगा। यहाँ तक कि शाही मोहरे और सिक्के भी दिद्दा क्षेम नाम से छपने लगे। 958 के आसपास महाराज क्षेमगुप्त चल बसे और परंपरा के अनुसार दिद्दा से सती होने के लिए कहा गया, लेकिन दिद्दा ने न सिर्फ इनकार किया बल्कि अपने बेटे अभिमन्यु को गद्दी पर बिठाकर राजमाता बन गई और शासन चलाने भी लगी। अब लोग इससे हरगिज खुश नहीं थे। स्थानीय सरदारों ने कहा कि एक औरत हम पर शासन कैसे कर सकती है, उसका वचन नहीं चल सकता। दिद्दा ने जवाब दिया, मेरा वचन ही है मेरा शासन, और सरदारों का विद्रोह बुरी तरह कुचल दिया। ओरिजिनल वो थी। 927 ईस्वी में महाराजा अभिमन्यु भी चल बसे, लेकिन दिद्दा का शासन चलता रहा। उन्होंने अपने पोते भीमगुप्त को गद्दी पर बैठाया और राजकाज चलाती रही। दमार तब कश्मीर के ताकतवर जमींदार हुआ करते थे। उन्होंने एक और बार विद्रोह की कोशिश की, लेकिन दिद्दा ने उनकी भी कमर तोड़ी। यहाँ तक कि अपने खिलाफ साजिश के आरोप में उन्होंने राज्य के सबसे ताकतवर मंत्री नंदीगुप्त को भी नहीं छोड़ा और उससे भी मरवाया। दिद्दा हालांकि इससे एक कदम और आगे गई। कलन के अनुसार जब उनके पोतों ने उन्हें राजगद्दी से हटाकर खुद बैठना चाहा, तो उन्होंने अपने 3 पोतों की भी हत्या करवा दी। यानी दिद्दा ने अपनी गद्दी बचाने के लिए वो सभी पैतरे चले जो उस वक्त का कोई भी पुरुष शासक चल सकता था। लेकिन उन्हें दिद्दा महान नहीं कहा गया, बल्कि उनके नाम के साथ चुड़ैल
बच्चलन जैसे विशेषण लगा दिए गए, वो भी तब जब दिद्दा के राज में कश्मीर ने खूब तरक्की की और 4 साल तक उनके राज्य को कोई खतरा नहीं हुआ। उन्होंने अपने बेटे और पति की याद में 64 मंदिरों का निर्माण कराया। मसलन श्रीनगर में उन्होंने एक शिव मंदिर बनाया जिसका नाम दिद्दा मठ था। आज भी इस जगह को दिद्दा मठ कहा जाता है। आगे दिद्दा का क्या हुआ? दिद्दा ने 23 सालों तक कश्मीर पर एक छत्र राज किया। तमाम कमियों के बावजूद दिद्दा एक मजबूत और कुशल प्रशासक थी। उन्होंने अपने पड़ोसी राज्यों के साथ मेल मिलाप बनाए रखा और कश्मीर को खूब समृद्ध किया। उस दौर में तमाम शासकों के पास एक से ज्यादा रानियां होती थीं, लेकिन दिद्दा पर अपने प्रेम प्रसंगों के चलते बच्चलनी का इल्जाम ही लगा। कलन लिखते हैं कि दिद्दा ने तुंगा नाम के एक जवान गुज्जर से संबंध बनाए और उसे राज्य का मुख्यमंत्री भी बनाया, जिससे स्थानीय सरदारों को खूब नाराजगी हुई। लेकिन दिद्दा ने उनकी एक चलने नहीं दी। चंद इतिहासकारों ने उन्हें क्रूर शासक कहा है, लेकिन कई ये भी मानते हैं कि दिद्दा को डिस्क्रेडिट करने के लिए ये लानतें ला दी गईं। और ऐसा सिर्फ दिद्दा के साथ ही नहीं हुआ था। 13वीं सदी में जब रजिया सुल्तान दिल्ली के तख्त पर काबिज हुई तो उन पर भी बच्चलनी के इल्जाम लगाए गए। कहा गया कि उनका याकूत नाम के अफ्रीकी गुलाम से संबंध था। हालांकि बात गलत साबित हुई, लेकिन हम फिर भी ये कहेंगे कि अगर संबंध थे भी तो क्या? औरत और पुरुष में बराबरी का माप ये नहीं हो सकता कि उन्हें वो करने का बराबर अधिकार मिले जिसे समाज सही मानता हो। असली बराबरी ये है कि महिलाओं को वो सब दोष रखने का भी पूरा अधिकार हो जो पुरुषों में होते हैं। दिद्दा ने 1003 ईस्वी तक कश्मीर पर राज किया। अंत में उन्होंने अपनी गद्दी अपने भाई के बेटे संग्राम राज को सौंपी और 1003 ईस्वी में ही उनकी मृत्यु भी हुई। कलहन उपसंहार में दिद्दा के लिए लिखता है, वो लंगड़ी रानी जिससे किसी को एक कदम पार करने की उम्मीद नहीं थी, उसने तमाम विरोधों को ऐसे लांग डाला जैसे कभी हनुमान ने समुद्र को लांघा था। इतिहासकार जीएम रब्बानी अपनी पुस्तक प्राचीन कश्मीर एक ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में लिखते हैं कि दिद्दा आम लोगों में बहुत लोकप्रिय थीं और उनकी लोकप्रियता का एक जीवन प्रमाण ये है कि आज तक कश्मीर के सभी वर्गों और समुदायों में किसी महिला को सम्मान देने के लिए, इज्जत देने के लिए दिद्दा का विशेषण की तरह इस्तेमाल किया जाता है। अब आखिर में एक बात और, साल 2021 में अभिनेत्री कंगना रनौत ने घोषणा की थी कि वो जल्द ही दिद्दा की कहानी पर एक फिल्म बनाएंगी। इस दौरान उन्होंने ये भी कहा कि दिद्दा ने महमूद गजनवी को जंग में हराया था। असल इतिहास के साक्ष्य इस बात से मेल नहीं खाते हैं। मोहम्मद गजनवी ने 1015 ईस्वी में कश्मीर पर आक्रमण की कोशिश की थी, जबकि दिद्दा की मृत्यु उससे तकरीबन 10 साल पहले हो गई थी। दिद्दा के बाद राजा बने संग्राम राज के वक्त में गजनवी ने हमला किया था, लेकिन कश्मीर के पहाड़ी रास्तों और सर्द मौसम की वजह से उसे शिकस्त खानी पड़ी थी और वो लोहार कोट के किले पर कब्जा करने में विफल रहा था। इससे अलग दावे भी मौजूद हैं, लेकिन आशीष कौल ने अपनी किताब दिद्दा द वॉरियर क्वीन ऑफ कश्मीर में दावा किया है कि दिद्दा ने महमूद गजनवी को एक नहीं 2 बार हराया। हालांकि ये तथ्य भी सिर्फ और सिर्फ उन्हीं किताबों में विस्तार से दर्ज है। इसी के साथ तारीख का ये शानदार एपिसोड यहीं पर समाप्त होता है। आज के लिए इतना ही। जाते जाते एक सूचना लेते जाइए, ललन टॉप अपने दर्शकों के लिए क्विज ले आया है और इसे खेलने के लिए आपको डाउनलोड करना पड़ेगा दी ललन टॉप का ऐप। सोमवार से शुक्रवार के बीच आप 9 बजे लाइव खेल सकते हैं क्विज, और सिर्फ ज्ञान नहीं मिलेगा या जीतने का मजा नहीं आएगा, बटवा भी भारी होगा क्योंकि आप कैश रिवॉर्ड्स जीत सकते हैं। 50-50 लोग रोज जीतेंगे, तो इंतजार मत कीजिए। गूगल प्ले स्टोर या एप्पल ऐप स्टोर, जैसे भी डिवाइसेस आप इस्तेमाल करते हैं, वहां से आप दी ललन टॉप का ऐप जरूर डाउनलोड कीजिए। आज का तारीख का एपिसोड लिखा था हमारे साथी कमल ने और कैमरे पे से रिकॉर्ड किया था हमारे दोस्त जतिन ने। देखते रहिए दी ललन टॉप। आपके ज्ञान की गहराई नापने के लिए आ गई है ललन टॉप क्विज। मौके पर दो जवाब और मौके पर ही पाओ इनाम। सोमवार से शुक्रवार 9 बजे सिर्फ ललन टॉप ऐप पर। याद रखो कक्का की बात जो कही गई है, नॉलेज पर हाल लगाओ हाल फायदा, दे लगाओ का फायदा। तो फटाक से डाउनलोड करो ललन टॉप ऐप और आ जाओ 9 बजे क्विज खेलने के लिए हमारे साथ।